तो गाइस आज उतरे थे अपार्टमेंट में और यहाँ पर भाई एक बॉट भैया मिलता है तो उनकी पेटी बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भाई दो बंदे बड़ी देर से अपार्टमेंट में घूम रहे थे जिनके साथ मैं कबड्डी कबड्डी खेल रहा था। अब यार उनके पास अच्छी गन थी तो इसलिए मैं उनके सामने सीधे जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास नाम के लिए एक हेलमेट था और वेस्ट भी नहीं था और भाई मैं शॉटगन चला रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भाई मैंने कोशिश भी करी इनको पेलने की लेकिन यहाँ पर पिलाई हो नहीं पाए। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले कमरे में आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर भाई मैं एक पल के लिए भाई पैन फेंक के भी ट्राई करता हूँ जब ये ऊपर के फ्लोर पर जा करके छुप जाता है कि पैन फेंक के मारूंगा तेरे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। लेकिन अंत में जाकर के एक ऐसा मौका आ ही जाता है जब इन दोनों के यहाँ पर पिलाई करेंगे। हाँ भाई दो बंदे थे, मैंने बता दिया क्या? अब असल में यहाँ पर सीन ये होता है कि भाई ये मेरे जो रैंडम टीममेट होता है ना ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं अपने रैंडम टीममेट को कहता हूँ कि भाई यार तुम नेड करने की यहाँ पर ट्राई करो ताकि ये नीचे आ सके क्योंकि ये लोग ऊपर बैठ गए थे और नीचे आ नहीं रहे थे। तो उसके बाद जब वो नेड खींचता तो ये लोग नीचे आते और भाई यहाँ पर इनकी क्या पिलाई करता वो तो तुमने देख ही लिया। और इसके बाद यहाँ से भाई थोड़ी देर तक अपना ये रिवाइव शिवाइव का गेम करता है, थोड़ा बहुत लूटा पार्टी करता और आगे से गोली चलने की आवाज़ आती है दूसरे वाले अपार्टमेंट से। तो उसके बाद मैं सीधा उस अपार्टमेंट में घुस जाता हूँ। उसके बाद क्या होता वो देखो। अब मैं ज़रा यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो बंदा पहले मेरे को यहाँ पर दिखता तो यहाँ पर मैं अपना बैरल का छैक्स लगा करके उसको पेलने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पर तुमने देख ही लिया कि क्या नशीला स्प्रे गया। तो इसके बाद यहाँ पर मैं अपार्टमेंट में घुसता हूँ और फिर क्या होता है वो तुम देखो। तो जैसे इसको नॉकआउट करता हूँ तो इसका दूसरा वाला भी बंदा आता है, इसका एक और बंदा होता है। यार खैर जितने ज़्यादा हो हमें तो उतना ही मज़ा आएगा। अब जैसे इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूं तो ये ऊपर की तरफ भाग लेता है। तो हमने भी कहा चलो यार पकड़म पकड़ी खेलते हैं। तो यहाँ पर भाई इसको पकड़ के इसकी पेटी बना देते हैं। अब यहाँ पर तुमने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर तुमको फुटस्टेप भी सुनाई दिए होंगे। तो भाई इसका एक और शायद बंदा होता है जो कि नीचे की साइड में आकर के भाई छुप जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं सोचता हूँ नीचे जाकर के चलो नेटबाजी करता है और उसके बाद क्या होता वो तुम देखो। तो चलो यार अब थोड़ी सी भीख मांगते हैं। तो यहाँ पर यार तुम लाइक का बटन दबा देना अगर वीडियो पसंद आ रही है और भाई इसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना और भाई बेल आइकन को ऑल पे ना एकदम टिक करके दबा देना तो मज़ा आएगा। और कमेंट में यार बताओ यार कैसे लग रही है वीडियो। और अब मैं तुम्हें आगे का सीन समझाता हूँ। तो आगे ये होता है कि भाई हम छत पे जाते हैं और भाई वहां से ना स्कूल की तरफ से बॉट फायरिंग की आवाज़ आने लगती है। तो भाई देखो यहाँ पर तुम सुनो एक बार पहले। अब यहाँ पर ये तुम्हें भी बॉट फायरिंग लगी ना? यार मुझे तो लगी, तुम्हें भी लगी होगी। अब यहाँ पर मुझे M416 मिल गई थी तो यार मैं छैक्स का स्प्रे सही से दे सकता हूँ और आगे बंदा दिखता है। तो भाई जैसे तैसे करके यहाँ पर तुक्काबाजी लगता है और यहाँ पर ये नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद इसका नाम पढ़ के समझ आ जाता है कि भैया ये बॉटवा तो नहीं है, असली बंदा है। तो इसके बाद मैं सीधा भैया आगे की तरफ स्मोक करके भागने लग जाता हूँ। और जैसे ही आगे पहुँचता हूँ ना तो बीच रास्ते में मुझे कोई लपेटने वाला था लेकिन क्या ही बचा मैं देखो। अब नॉकआउट तो कर दिया तो भाई पेटी बनाने का जिम्मा भी तो मेरे सर है क्योंकि यार रैंडम टीममेट तो इतनी मेहनत करेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी मेहनत कर ली। खैर यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर घुसता तो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा रेस्ट लेने देते हैं, यहाँ पर मैं भी थोड़ा फर्स्ट एड लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बूस्टअप लगा लेता हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा आखिरकार कहाँ पर जा करके टिकेगा। दरअसल ये छत की ना सीढ़ियों पर जा करके वहाँ पर कैंपिंग करने लग जाता। तो जो अपोजिट वाली सीढ़ियाँ होती है ना मैं उस पर से चढ़ के जाता हूँ और उसके बाद ये मेरे को मतलब एकदम ईजी दिख जाता। फिर क्या होता वो देखो। तो यहाँ पर इसकी पेटी बनाते खैर मुझे बाहर से गोली भी पड़ने लग जाती है जैसे कि आपने यहाँ पर सुना होगा लेकिन उसको यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉट मिलता है तो उसके यहाँ पर पेटी बना देते हैं। बेटी क्यों कह रहा हूँ। खैर उसके बाद यहाँ पर यार क्या ही बताऊँ मैं, जोन से पीछे छुड़ाने में ना बहुत दिमाग खराब हो गया भाई। जोन पीछे पड़ गया था, कभी लाल जोन आ रहा है, कभी उसके बाद गाड़ी नहीं मिल रही है। तो यार इस सब के चक्कर में ना भाई मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया था। लेकिन आखिर करना यार मतलब किल अच्छी खासी निकालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है यार। और उसके बाद यार मेरे को ना ड्रॉप से AWM भी मिल जाती है। और उसके बाद यार जोन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे होता है कि भैया मेरे को दूर एक सपोड़ी लेटा हुआ दिखता है। तो देखो उसके ऊपर AWM टिकाते हैं। I'm out.
need ammo. अब यहाँ पर हम यार पट से हेडशॉट देने में लगे और यहाँ पर हमारे भैया भीख मांगने आ गए कि यार 5 की गोली दे दो। यहाँ पर यार वैसे मेरे पास बची खुची गोली है जिससे मैं दूर का भाई स्प्रे दूंगा। तो यहाँ पर भाई मैं एकदम लालची इंसान हूँ, तो मैंने यहाँ पर भाई गोली वोली नहीं दी। खैर आगे से गोली चलने की आवाज आ रही थी जैसे कि तुमने सुनी लिया। तो भाई आगे की तरफ जो घर होता ना उसमें 3 बंदे कैंपिंग कर रहे होते और भाई मैं एक बंदे को पट से हेडशॉट भी देता और दूसरे को भी देता हूँ, लेकिन अंत में यहाँ पर अंजाम क्या होता वो तुम देखो यार, देखो ना। अब यहाँ पर 2 बंदे का टकला फोड़ा लेकिन यार यहाँ पर नॉकआउट नहीं हुआ दूसरा वाला, समझ नहीं आया क्यों। शायद 3 लेवल का हेलमेट पहना होगा वो भी फुल प्रूफ। अब यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भाई जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ वो बंदा रिवाइव हो जाता है जिसको पहले नॉकआउट किया था और उसके बाद वो दोबारा थोपड़ा दिखाता और फिर क्या होता वो देखो। अब यहाँ पर वाइपर ओपी ने अपना फिर से थोपड़ा दिखाया और उसको यहाँ पर नॉकआउट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं लगातार 3 नेड करता हूँ और भाई देखो यहाँ पर क्या ही मजा आएगा। अब इनको तो यार एकदम मैंने कैदियों की तरह कैद कर दिया था, चारों तरफ से नेड कर दिया और उसके बाद भैया एक बंदा नीचे उतरने की भी कोशिश कर रहा था पर मैंने कहा आ, 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 भाई ऐसे कैसे नीचे उतर जाओगे। तो यहाँ पर इसकी मतलब इसकी क्या इन सबकी क्या ही पेटी बनाई। तो यार अगर तुमने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा देना और कमेंट में बताओ यार वीडियो कैसी लग रही है। खैर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जब मैं इनकी पेटी को लालच के तहत लूट ही रहा होता हूँ कि इतने में जोन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी ड्रिंक व्रिंक लगाता हूँ कि इतने में भाई आगे की जो घास का ढेर होता है ना उसमें से गोली चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर 2 बंदे होते हैं असल में और उसके बाद क्या होता वो देखो तुम। अब यहाँ पर मैं अपना पहला निशाना चूक गया था लेकिन जैसे ही पहला निशाना चूक गया ना तो उसके बाद यहाँ पर भाई हमारे फोन नंबर वाले रैंडम टीममेट को यहाँ पर इन्होंने भाई नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर भाई नेड फेंकता हूँ, राख की बोतल फेंकता हूँ और सीधा आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्या होता वो तमाशा तुम यहाँ पर देख लो ना। अब यहाँ पर वेदांत गेमिंग वाईटी को क्रिस्टन वाईटी ने पकड़ के पेल दिया। तो यार अब इस सब को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ जी क्यों नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। खैर यहाँ पर मजाक वाली बात छोड़ो यार, हाँ यहाँ पर इनको पेल दिया और पेलने के बाद ना अब पहाड़ी का इलाका बाकी था, वहाँ पर मेरे को एक बग्घी खड़ी दिखती है। तो भाई अब यहाँ पर सीन ही होता कि चारों के 4 बंदे बाकी होते हैं यहाँ पर और चारों एक ही टीम के होते हैं। तो भाई दूर थे बंदे तो यहाँ पर थोड़ी AWM काम आएगी। तो एक बंदा मेरे को दिखता है तो फिर क्या होता है वो देखो। अब इसको एक बॉडी शॉट दिया और दूसरे बारी में सीधा नॉकआउट। खैर इसका एक और बंदा आता है इसको बचाने तो उसको भी एक चटका देता हूं। अब इसको चटका तो दे देता हूं लेकिन यार ये नॉकआउट नहीं होता। तो उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ता हूं और जब तक आगे बढ़ता हूं तो भाई जिसको मैंने नॉकआउट किया था वो भी रिवाइव हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है देखो ना यार। अब एक को यहां पर मैंने नॉकआउट किया और दूसरे को मेरे पार्टनर ने, तो यहां पर पेटी बनाने का खेल चालू करेंगे। तो ये था पहला चटका और ये था दूसरा झटका जिसमें यहाँ पर इसकी पेटी बन गई। अब यहाँ पर भाई क्या सीन होता है कि जिसको मेरे पार्टनर ने नॉकआउट किया था वो अभी भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और उसको रिवाइव देने के लिए एक और बंदा आ जाता है। तो जब तक मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तो उसके बाद वो भी मुझे दिखता, फिर क्या होता है वो देखो। चुप गया लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी भी पेटी डाल दी जाती है और जब तक मैं आगे बढ़ रहा होता तो भाई जो बंदा नॉकआउट था ना जिसको मेरे पार्टनर ने नॉकआउट किया था उसकी भी यहाँ पर पेटी बन जाती है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ आखिरी बंदा बचता है जो कि यार आगे वो जो गोल सा चक्री वाला स्नाइपर टावर होता है ना कि पता नहीं क्या होता है उसमें बैठा हुआ होता है। तो जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो फिर क्या होता है देखो, यहाँ पर मैं नेड़बाजी करने की कोशिश करता हूँ पहुँचने के बाद। अब आते ही 2 नेड करता हूं और सीधा बंदा स्पाइडरमैन की तरह नीचे कूदता है और यहां पर सीधा M416 अपना काम कर जाती है और पेटियां बन जाती है। तो यार कुल मिलाकर के मुझे लगता है, उम्मीद है यार मुझे कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार। अब तो लाइक का बटन दबा दो यार और बेल आइकन को ऑल पे दबा दो ना, सब्सक्राइब करके यार दबाना। वैसे तो ऐसे तो कर भी नहीं सकते, हाँ करो लेकिन, और हाँ कमेंट कर देना यार, कमेंट में यार मतलब लिखो ना यार वीडियो कैसी लग रही है, कितने बार बोल चुका हूं मैं। तो कुल मिलाकर के यार उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मैं बता ही चुका हूं
कि क्या करना है। तो यार कुल मिला करके अब मैं इतना कुल क्यों मिला रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय।